पूरी दुनिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं, वाकई बहुत गर्व और खुशी की बात है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 पहले ही दिन से ही गदर थिएटर में गदर मचाए हुए है। फिल्म ने पहले दिन जितना कलेक्शन किया था उसे देखकर ये अनुमान लग गया था कि ये फिल्म 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी और फिल्म हर रोज धुआंधार कमाई कर रही है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा के लिए पहले अमीषा पटेल की जगह काजोल को साइन किया जाना था, लेकिन काजोल ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। काजोल के बाद ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियों को साइन किया जाने वाला था, लेकिन इन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। उसके बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अमीषा पटेल को पाया और फिर अमीषा पटेल से बात करते हुए अनिल शर्मा ने अमीषा पटेल को साइन कर लिया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि गदर 2 फिल्म को देखने गए काजोल और अजय देवगन ने अपने रिएक्शन दिया है। पहले मुझे ये फिल्म मिल रही थी लेकिन मैंने करने से मना कर दिया और आज लोग इसी फिल्म को खूब प्यार भी दे रहे हैं। गदर एक प्रेम कथा अच्छी थी इसलिए गदर 2 भी देख ली है। फिल्म जबरदस्त है। फिल्म में तारा सिंह वाला लुक काफी जबरदस्त लगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अमीषा पटेल पे भी काजोल ने अपना रिएक्शन दिया है। काजोल ने कहा कि अमीषा पटेल ने भी अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभाया है, जैसे कि उन्होंने पिछली फिल्म में निभाया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन ने कहा कि सन्नी पाजी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल आने वाले सालों में कई सारी फिल्में लेके आने वाले हैं, जिसमें अपने 2, बॉर्डर 2, सूर्य बाप, लाहौर उल्लू 47 जैसी बड़ी फिल्में शामिल है। फिलहाल दोस्तों आपका काजोल और अजय देवगन के रिएक्शन पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.